बच्चे जो के साथ में भाई एक बार बड़ी भाई उग से घोजा भाई हमारे स्थल में भाई दादी भी भाई जा सकते हैं ताड़ी बजेंगे भाई जोड़ के साथ में भाई एक बार ताड़ी बजेंगे स्वर बजाएं हाँ जी राम राम जी, मैं आपका अपना दोस्त DEEPA के मतलब कि DK। तो वेलकम है भाई आप सबका एक और नए व्लॉग में। आज का जो व्लॉग है भाई वो यही अपना दिनचर्या वाला व्लॉग है, क्योंकि फिलहाल कहीं जाना आना तो नहीं रहे। तो जैसा भी जो कुछ रहेगा मैं आपने दिखाऊंगा। फिलहाल तो मैं आया हूँ बरसीन कटवान, मतलब मैंने निकालनी, काट तो अभी रहा, बस इस पर अकेले पर उठ दी नहीं है, तो मैं उठवाएगा और बाइक तक दरवाऊंगा, फिर मैं घर चला जाऊंगा। ये भी उठा था मैं थोड़ी देर पहले ही। यो बंदा काटन लग रहा है, यो काट का फिर इसमें पल्ली में बांध का, उसके बाद बाइक पर रख का लेगा जागा। ये भी इस बंदे ने दिख गया भाई खेत में चूहा, कासा मोटा चूहा था, ये भी उसने पकड़ने का पीछा फिर रहा, पकड़ा नहीं जाता है वो, उन्हें तेरे पैरों की आवाज़ सुन दे स्पीड पकड़ ली, पर अली कड़ा जाएगा खाली है तुम। भाग रहा गगा ये, यहाँ सीने था भाई, और यहाँ आने जा जाएगा ना, जा जाएगा जा जाएगा, इतनी दूर पहुंच गया, रहने दे आजा, छोड़ परा। आज भाई कोई ऐसा मतलब स्पेशल एक्टिविटी नहीं करी, तो इस कर का फिर कुछ बनाया भी नहीं। फिर मैं सो गया दोपहर ने रोटी है का, क्योंकि सवेर की और दोपहर की रोटी आज एक ही टाइम खाई है भाई। वैसे हमारा दिन का रूटीन यही है, हम दोपहर से नहीं रोटी खावा मैं और मेरी वाइफ। मैं कभी लेट उठ जाऊँ, लेट क्या बस 9 बजे, आज मैं 8 बजे उठ गया था, लेकिन मैं रोटी लेट ही खाऊँ क्योंकि मेरी रूटीन बन रखी है जब मैं मोहाली रहा करूँ तब थे। तो इब हम जान लग रहे हैं भाई दौड़ मरण, ठीक है, और हम इस ट्रैक पर जाया करें, मतलब ये गोहर है, इस गोहर ते जाकर सीधे वो जहाँ तक नजर जा रही ना फैक्ट्री चल रही, फैक्ट्री के पास ने एक गोहर है वहाँ ने आकम, फिर मुड़का फिर मारू के करा, मतलब योगा अराउंड 3 किलोमीटर तो होगा आराम से यार, इतनी आप दौड़ मारा रोज़। फिर उसके बाद मैं जिम में जाया करूँ, मैंने 3-4 दिन तो स्टार्ट करी वह दौड़ और मैंने बढ़िया लगा दौड़ मारना। तो अब बस जान लग रहे हैं, फिर दिखाते हैं आप आगे का, और वो देखो सामने जितना नहीं दिखता वो दिख नहीं रहा, मैं बाद में दिखाऊंगा। हमारे मतलब घर से थोड़ी सी दूर पर सर्कस वाला सिस्टम चल रहा है, मैं रात में देखता हूँ थरते दिखाऊंगा। वैसे गाने चला कर रखा है लेकिन गाने ने मैं बंद रखूँगा, वीडियो एडिटिंग के टाइम में कर दूँगा मत, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा हमने पता ही है। बाकी थरते दिखाऊँगा मैं क्या क्या हुआ या क्या क्या नहीं, ठीक है, फिलहाल हमने दौड़ मार दो। हेलो 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 दादी मुझे ये सी बच्चे जोड़ के साथ में दादी मुझे ये सी बच्चे जोड़ के साथ में भाई दादी मुझे ये भाई दादी मुझे ये भाई दादी मुझे। हां जी, तो इसमें ना गाना चल रहा था पीछा, वो मैंने म्यूट कर दिया और मैं अपना वॉइस ओवर देने लग रहा हूँ। सिर्फ तुम यूँ महसूस करो कि तुम खड़े हो और सर्कस देखने लग रहे हो, गाने पते क्या ले हो, और गाना भी इतना अच्छी क्वालिटी में नहीं जिस तरह आ रहा था वो, क्योंकि इन्होंने तुतड़ू से लगा रखे हैं ये, वो प्रथम ने देख ही लिए, यो चक्कर है। ये कोई वैसा नहीं है कि हाँ इन्होंने मतलब जैसा बेचारों का जुगाड़ है वैसा कर रखा, बाकी तुम देखो कैसे वो बंदा कलाकारी दिखा रहा है, 2 साइकिल एक टाइम में चलाने लग रहा है, और इब दोनों एक जगह रोक दिए हैं, रोकने के बाद इब थम देखो अगली कलाकारी, अगली कलाकारी क्या होती है कि इन दोनों ने ना रोक कर रखा गा एक ही जगह, और दूसरा बंदा आवागा, वो बंदा आने के बाद फिर इन दोनों साइकिलों से जोड़ागा, जोड़ने के बाद फिर यो बंदा बीच में निकलागा,
मतलब साइकिलों के बीच में जो है ना, इसने पता नहीं क्या बोला, ये जो जो बीच में बड़े नहीं होता गया वो तीन कुणा सा डंडों के, तीन डंडों के बीच में निकला गया वो, ये भी बंदा है देखो पीछे थे, और ये आगे तो इसके टायर बांध देगा दोनों साइकिलों के, देखो बांधने लग रहा यहाँ थे, और हैंडल भी बांध देगा, और इब देखो फिर इस बंदे ने यो दोनों साइकिलों के बीच में निकल रहा है, और निकल का सीधा खड़ा हो जाएगा। तो यही कलाकारी है भाई, आदमी अपने पेट वास्ते देख लो क्या क्या करा, इसने साइकिल रोकने वास्ते देखो आगे पीछे इंट भी लगा रखी है टायर के, ताकि साइकिल आगे ना जावा, क्योंकि वही बात है भाई, सावधानी तो बरतनी पड़ा ही है। और अब इसके बाद ये इसने खोलन लग रहे हैं, खोल का फिर यो दोबारा इन दोनों साइकिलों थे ना जोड़ सी का, मतलब दोनों हाथों में पकड़ का आधी क्रेंची सी चलावागा, मतलब आधी क्रेंची नहीं यार, वो जिस आधे पैडल मारागा, ये देखो मारन लग रहा है पैडल, यो देखो दोनों साइकिलों ने ना यो देख लो आधे आधे पैडल मार का चला रहा है। यो भी देखो कलाकारी है, हर किसी का अपना अपना पेशा है भाई, ठीक है मेहनत है, हम इन चीज़ों ने जज नहीं कर सकते हैं। अब ये बेचारे यो सब कर का पेट पाल रहे हैं अपना, और लोग देखा है भाई, और इन ते इनाम भी दे हैं, पैसे भी दे हैं जो इनके बना। और अब यो अगली कलाकारी दिखा रहा है, ये देखो एक साइकिल ने एक ही जगह रोक कर ना होल्ड कर का एक ही जगह, और फिर दूसरी साइकिल ने अपने दांतों से उठा रहा है, देखो यह दूसरी साइकिल इसने दांतों गेल पकड़ रखी है, देखो होल्ड कर रखी है एक जगह। तो वही यो है लास्ट वाला, मतलब मैं इसके बाद आ गया था, इसके बाद तो शायद और भी कुछ ही नहीं दिखाया हो, क्योंकि ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो जाता, मैं 10 बजे के बाद आया हूँ यहाँ पे। अब ये पता है कर रहे हैं, इन्होंने खड्डा खोद दिया नीचा, ये जो ऊपर चादर सी बिछ रही ना कंबल सा, इसके नीचे खड्डा है, और इस खड्डे के ऊपर इन्होंने बिछाया कंबल, कंबल के ऊपर गिर रही मिट्टी, और मिट्टी गिर का ये पता है क्या जुगाड़ कर रहे हैं, ये जो लड़का बैठा है अपने गोडे टेक का, ये लड़का इन्होंने देखो इसकी नाड़ ना अंदर खड्डे में बाँट दी, मतलब खड्डे के अंदर कर दी, और ऊपर ते कंबल बिछा दिया, जो कंबल पा ये पहले मिट्टी गिर रहे थे वो कंबल के नीचे ने घुसो दिया यो, और ऊपर इन्होंने गिर दी मिट्टी, और यूरो वगस के अंदर, मतलब आगे आगे थे इसके अंदर आए हो, और बाकी इसका हाफ जो हिस्सा है शरीर का वो बाहर है, और इसने बाहर निकालने की डिमांड यह रखी है कि 10 पता नहीं 11 बंदे जब तक 51 रुपये की हाजिरी नहीं लगाते तब तक ये इसने बाहर नहीं निकालने के, क्योंकि पहला भी इन्होंने ये जो पीछा कसी के पास बंदा बैठा इसका सूहें चुभोए थे, वो खून वाला सीन था, मैंने शूट नहीं कराया, तो इसके सूहें तभी निकाले जब लोगों ने 51 रुपये दिए हैं, वही सेम डिमांड इन्होंने इसके वास्ते रखी है। हाँ जी, तो ये था आज का व्लॉग, मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम जी, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेना, धन्यवाद आप सबका।